गाड़ी देखी कैसी लेकिन कैसी लगी? बहुत अच्छे लगे। अर्जुन रामपाल इतना अच्छा एक्टिंग, बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया। डैडी लगता है वो बेस्ट। क्या मुझे लगता है कि मैक्सिमम तो जस्टिफाई किया है पूरा, बट क्योंकि अरुण कोहली को हम लोगों ने इतना देखा नहीं है ज़्यादा, बट अच्छा है। मतलब अरुण कोहली के लिए वो ऐसे देखेंगे तो उसका लगता है कि ये फिट है ये रोल के लिए। डिटेलिंग जो है ना वो बहुत अच्छी है। हम लोग को भी इतनी स्टोरी पता नहीं थी, बहुत कुछ जानने को मिला अरुण कोहली के बारे में। मैंने डैडी देखी। क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, क्या खास है फिल्म डैडी में? उसका नाम ही सबसे ज़्यादा खास है और इस हफ्ते की डैडी रहेगी वो। एक्शन है, थ्रिलर है और साथ में उसमें बायोपिक का जो फ्लेवर है बहुत अच्छी एक्टिंग करी है सारे एक्टर्स ने। मुझे नहीं लगता कि वो गए थे, मुझे लगता है कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग थोड़ी हट के है। वो मॉडलिंग में ज़्यादा हैं तो इसलिए उनकी फ़ैन फॉलोइंग थोड़ी कम है एक्टिंग वाइज, लेकिन ये कैरेक्टर प्ले करने के बाद आई थिंक उन्हें काफ़ी अप्रिशिएशन मिलेगा। फिल्म में सबसे अच्छी बात यह है कि भाई मुझे नहीं पता था अरुण कोहली जी के बारे में पर्सनली इतना, लेकिन काफ़ी कुछ जानने को मिला है जहाँ तक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है और डेटा प्रेजेंट किया है। प्लॉट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्क्रीन प्ले बाय ऑब्वियसली अर्जुन रामपाल जी और आलू गर्ज जी का डायरेक्शन है, तो बहुत ही अच्छा मतलब एक क्रिएशन है ये मूवी। म्यूजिक तो देखिए एक ही था आई थिंक, मैंने सॉन्ग नोटिस किया, वो भी एक्शन सीक्वेंस में कन्वर्ट कर दिया गया था ब्रेक डाउन करके, लेकिन जो डिटेलिंग दिखाई है बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत अच्छी तरीके से फोकस किया गया एक एक कैरेक्टर। अब वो कितना रिलेट करता है रियल लाइफ स्टोरी से, वो रियल लाइफ स्टोरीज दैट डिपेंड्स, बट बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया है। आउट ऑफ 5 आई विल गिव 3.5। थैंक यू। अरे अपना मोशन ये मोशन अच्छी लगी, अच्छी लगी, अच्छा था। मतलब उन लोग ने शूटिंग से और जो एंड तक एक्टिंग किया ना, वो उन लोग का ही बेस्ट। अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर कैसा था? अर्जुन सूट हो रहे थे दोनों गाने में, हम लोग बैठ के नाच रहे थे। जय शंभू, जय शंभू नारायण। जस्टिफाई तो हो जाए, लगता है कि काफ़ी मेहनत भी की होगी उन्होंने ये रोल को प्ले करने के लिए। ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा रोल ट्रांसफॉर्मेशन रहा है, तभी मैंने कहा इन्होंने काफ़ी मेहनत की है ऐसा लग रहा है इस रोल के लिए। गुड, यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। काफ़ी बार ऐसा होता है ट्रेलर देखने के बाद लगता है मूवी बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन एकदम टर्न ऑफ हो जाता है, टर्न डाउन। तो इसमें ऐसा, इसमें तो ऑपोजिट था, ट्रेलर जितना अच्छा लगा उससे भी ज़्यादा अच्छी मूवी थी। और एक बात ये, फरहान अख्तर उनको तो स्टार्टिंग के कुछ शॉट्स में रिकग्नाइज होते ही नहीं है साइड से, जो उनका फर्स्ट लिया हुआ है, जब वो बोलना शुरू करे तब से लगते हो कि ये फरहान अख्तर है उनका जो मेन नेगेटिव है। सॉन्ग्स देखा जाए तो सॉन्ग ठीक थे, लेकिन दे वर नॉट डिस्टर्बिंग। या इट वॉज गुड, जितना एक्सपेक्टेशन रखा था अर्जुन रामपाल से काफ़ी खरा उतर पाया, काफ़ी अच्छी लगी मुझे। लाइक पूरे मूवी में एक भी मोमेंट नहीं था जहाँ पे मैं बोर हुई हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी थी तो मैंने फुल टाइम बहुत इन्जॉय किया है। काफ़ी बारीकी से वो खरे उतर पाए हैं, काफ़ी अच्छी उन्होंने एक्टिंग की है, काफ़ी अच्छा उन्होंने अपना कैरेक्टर निभाया है, तो ओवरऑल इट वॉज लाइक फुल पैकेट एंटरटेनमेंट मूवी फॉर मी। मुझे इंटरवल के पहले एक्चुअली अच्छा लगा था, इंटरवल के बाद थोड़ी सी डाउन हो गई थी, बट स्टिल उन्होंने एंड में वो चीज़ रिकवर कर ली थी। सो ऐसा कुछ मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती कि इंटरवल से पहले अच्छी थी या इंटरवल के बाद अच्छी थी, लेकिन इट ओवरऑल इट वाज फन। अब डायलॉग मैं अभी बता दूंगी तो आप लोग मूवी देखते टाइम इन्जॉय नहीं कर पाओगे, सो प्लीज़ आप लोग मूवी देखना, तब आपको जो अच्छी लगेगी फिर वो बताओ। हाँ मैंने फिल्म से जो एक्सपेक्टेशंस थी काफ़ी अच्छी लग रही है, जो अर्जुन ने जिस तरह से काम किया था वही हैज़ ट्रांसफॉर्म सेल्फ इज प्रीटी मच गुड एंड इट्स लाइक काबिल तारीफ है जो उसने काम किया। आई गेस एवरी थिंग उन्होंने पूरी तरह से मतलब डैडी को एक तरह से अरुण कोहली को अपने अंदर उतार लिया, द वे ही टॉक्स, द वे ही वॉक्स, उनके हर चाल ढाल हर तरह से, मतलब एक इट्स रियली डिफिकल्ट जॉब जो उन्होंने किया है, और बाकी में इट्स अप्रिशिएटेबल जो काम किया है उन्होंने। गाने एक पेपी नंबर है और बाकी जो गाने हैं मतलब इट्स गोइंग ऑन विद द स्टोरी, ऐसा नहीं लग रहा है कि ज़बरदस्ती के गाने डाल दिए गए हैं, तो उसके साथ स्टोरी बढ़ा रही है और मतलब ठीक है, गाने भी अच्छे हैं, इट्स फाइन। अर्जुन ने अच्छा काम किया है, ऐश्वर्या जो उनकी वाइफ प्ले कर रही है, शीज़ अ साउथ एक्ट्रेस, यहाँ पे बॉलीवुड में उन्होंने डेब्यू किया है, उनका भी बहुत अच्छा काम है, केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है साथ में, तो ओवरऑल इट्स अ वन टाइम वॉच। अरे जो स्टार्टिंग में उनका ज़्यादा किरदार नहीं है, छोटा सा ही स्पेशल अपीयरेंस काइंड है उनका, साइड जो उनकी साइड प्रोफाइल दिखाते हैं पहले, बट वो रिकग्नाइजेबल नहीं होता है कि वो फरहान अख्तर है, बट द वे द टाइम ही स्टार्ट स्पीकिंग तो पता चलता है कि फरहान अख्तर है एंड ही इज़ जस्टिफाइड हिज कैरेक्टर। 3.5।